नमस्ते स्वीट व्यूअर्स, ये सिमाप्रिया एक छोटी सी ब्लॉग लेकर आपके पास आई है। और मेरी विनती है आप सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के पास, जो हमारे जो न्यूवर्स कंट्री है बांग्लादेश, उस देश में डेंगू फीवर एकदम फैल गया है पूरा देशों में। तो ये डेंगू फीवर, डेंगू बुखार कुछ ज़्यादा अच्छा बीमारी नहीं है, ये हम जानते हैं। तो उस देश का ये हाल है कि उस देशों में मेडिसिन भी नहीं है, तो उसका जो मेडिसिन का ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइज जो ट्रीटमेंट एकदम बेहाल अवस्था है। वो हमारे इंडिया भी आ चुके हैं, पीजी सरकारी अस्पताल में भी उसका सीट नहीं मिल रहा है। तो एक घरवा जो ट्रीटमेंट होती है, इसका जो पत्ता है, उस पत्ता का जो रस है, वो रस सिलबट्टा या मिक्सचर ग्राइंडर में अच्छी तरह पेस्ट करके और छान कर जो रस निकल आएगी, वो रस वो जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उनको पिला दीजिए। और बहुत सारी पानी पीजिए, जो एडिस जो मच्छर होती है वो फैलती है, फैलाती है ये डेंगू जो बुखार। तो ये डेंगू बुखार से बचने के लिए ये घरवा मेडिसिन है। ज़्यादा ये पपीता का पत्ता का रस पियो और ज़्यादा करके पानी पियो। अगर बचना चाहते हो तो ये घरवा उपयोग ज़रूरी है। तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन था। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरा वायरल हो, और वायरल हो के नेवर्स कंट्री का जो भाई बहन जो जिनके घर में एकदम ये बीमारी फैल चुके हैं, वो भी बच जाए। और डॉक्टर्स का हेल्प तो है ही, और इंडिया में भी इसका उपयोग हो, सब इंडियन होशियार रहे इस बीमारी से। और ये एडिस जो मच्छर है वो तो एकदम साफ सुथरा माने पानी में भी रहता है, तो इनके बारे में भी जानकारी हो। हम जो ये व्लॉगर है, ये व्लॉगर ये तो यही काम कर सकते हैं, सब लोगों को चेतावनी दे सकते हैं इस तरह वीडियो बना के, तो ये वीडियो वायरल हो। अपना हाथों का थोड़ी सी टाइम निकल के ये वीडियो देखे और शेयर करे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादातर शेयर करें कि उन लोगों तक पहुंच सके जिन घरों में डेंगू फीवर, डेंगू जो बुखार चल रहा है, और जिन घरों में मेडिसिन नहीं मिल रहा है। तो ठीक है व्यूअर्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़।